हेलो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा अपने फ़ोन को रोटेट कर लेंगे और जिन भी बच्चों की स्कॉलरशिप की राशि नहीं आई है थोड़ा सा स्टूडियो को ध्यान से देख लेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑफिशियल मेरा स्टूडियो है और यहाँ पे आप देख सकते हैं आई रिस्पॉन्डेड, मैंने जिन लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई दिया है। यहाँ पर देखिए आकाश कुमार ने 6 घंटे पहले का कमेंट किया हुआ है, सर मेरी स्कॉलरशिप आ गई है 2nd शिफ्ट की पॉलिटेक्निक, इनको मैंने अभी फ़िलहाल में ही रिप्लाई दिया है। और काफ़ी सारे बच्चे देखिए, देवेंद्र कुमार ने इनको रिप्लाई दिया है कि भाई कब आई है, और मैंने भी कहा है प्लीज़ मैसेज ऑन इंस्टाग्राम, क्या सच में किसी बच्चे की स्कॉलरशिप की राशि आई है। यहाँ पे अगर आप देखें एक बच्चे ने किया होता तो चलो समझ में आता कि हाँ नहीं आई है या फिर ऐसे ही कर दिया। यहाँ पे एक और बच्चे ने मेरे पास ये सेंड किया है, BOI RS 19590 हैज़ बीन क्रिएटेड NACH इन योर अकाउंट XXX इतना 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 NACH CRINW पोस्ट मैट्रिक स्कॉलर्स ऑन 10/6/2022 यानी कि 10/6/2022 यानी कल के डेट में इनकी भी बता रहे हैं कि स्कॉलरशिप की राशि आई है और टोटल अवेलेबल बैलेंस है 21,394 रुपया। और इनको भी मैंने रिप्लाई भेज दिया है कि मैसेज ऑन इंस्टाग्राम, इसलिए कि मैं आपको जो भी चीज़ें बताता हूँ प्रूफ के साथ बताता हूँ, तो अभी तक इसको ऑफिशियल नहीं माना जाएगा इसलिए कि ये बच्चों ने कमेंट किया है। और जैसे ये मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज भेजते हैं और अपने फ़ोटो को सेंड करते हैं कि क्या सच में किसी बच्चे की स्कॉलरशिप की राशि आई है, अगर आई है तो किन कैटेगरी के बच्चों की आई है। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि 31 मई को जो स्कॉलरशिप की राशि आनी थी 31 मई को ना करके 1 तारीख को आई थी, सभी को मालूम है बहुत सारे बच्चों की 1 तारीख को स्कॉलरशिप की राशि आई थी, खास करके पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स की और ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स की। 1 तारीख के बाद से जो डेट आ रही थी ऑफिशियल, यानी आप DW ऑफिस गए होंगे तो वहाँ से भी शायद आपको अपडेट मिला होगा कि अब जो आपकी स्कॉलरशिप की राशि है वो 15 तारीख को आएगी। लेकिन यहाँ पर बच्चे काफ़ी ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरी स्कॉलरशिप की राशि आ गई है। अब इसमें हो सकता है बहुत सारे बच्चों की ना आए या फिर बहुत सारे बच्चों की, जैसे मतलब कई सारे बच्चों की आ जाए, तो जिनकी आते रह रही वो मेरे पास कमेंट कर रहे हैं। और हो सके अभी मैंने इनको कहा भी है कि रिप्लाई कीजिए, आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, वहाँ पे अगर इन्होंने फोटो वगैरह सेंड कर दिया तो मैं लाइव प्रूफ के साथ आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि हाँ आई है, किन बच्चों की आई है, किस कैटेगरी के बच्चों की आई है। ये भी ज़्यादा मायने रखता है कि किस कैटेगरी के बच्चों की आ रही है, इसलिए पिछली बार जो आई थी SC और OBC कैटेगरी के बच्चों की आई थी जो 1 तारीख को आई थी, ठीक है, तो उसमें काफ़ी सारे बच्चे, अब SC और OBC कैटेगरी के बच्चे थे जिनकी नहीं आई थी वो मेरे पास कह रहे कि सर ये सब चीज़ें गलत हैं, नहीं आ रही है किसी की, मेरी तो आई ही नहीं है। अब जाहिर सी बात है कोई ज़रूरी नहीं है कि हाँ इनकी आ गई है तो आपकी भी आ ही जाए, लेकिन ज़्यादातर बच्चों की आ रही है। यहाँ पे आपको पूरी लाइव चीज़ें दिख रही होंगी और इनको ये जब भी रिप्लाई देते हैं तो आपको एक पार्टिकुलर वीडियो मिल जाएगा कि किन बच्चों की आई है, कब तक आएगी। और अभी आपको मालूम है कि जो ऑथेंटिक डेट थी कि DW ऑफिसर द्वारा कि हाँ 15 तक आएगी, लेकिन यहाँ पर इन बीच अभी 10 तारीख को बच्चों द्वारा कमेंट आने लगा कि सर मेरी स्कॉलरशिप की राशि आ गई है। तो एक बार आप सभी बच्चे जाकर के चेकआउट जरूर कर लेंगे अपना स्कॉलरशिप का, जो आपका स्टेट नोटिफिकेशन होता है या फिर आपका मैसेज आते हैं, मैसेज वगैरह चेक कर लेंगे क्या आपकी भी स्कॉलरशिप की राशि आई है। अगर आई होगी तो कमेंट करेंगे या फिर इंस्टाग्राम पे जाकर के मैसेज जरूर करेंगे, अपने फोटो वगैरह को सेंड करेंगे ताकि सभी बच्चों को इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि हाँ किन कैटेगरी के बच्चों की आई है और कितना मतलब कब तक आएगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके थ्रू मिलती है। तो आप जाकर के इंस्टाग्राम पर मैसेज जरूर करेंगे जिन भी बच्चों की स्कॉलरशिप की राशि आई होगी, खास करके टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करेंगे, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।